इस बार में सच पास बिल्कुल ही अलग है। सच पास का बेड़ा गर्क कर देना ऐसे लोगों ने। हमने ऐसी लोकेशन से समझ नहीं आता कि कैप्चर किसको करना है, छोड़ना किसको है। लो जी, जानी भी पहुंच गई अपनी सच पास। हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। अभी हम निकल रहे हैं सच पास की ओर। लास्ट व्लॉग में देखा हम जो हिमुडा लेक है उसके ट्रक के लिए गए थे, और अभी हम निकल रहे हैं सच पास के लिए। टाइम लगभग 3:15 हो गया दोपहर के, और अभी हमें किलाड़ पहुंचना है। काफ़ी लेट हो जाएगा, सो जल्दी से करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलेगा देखने को आगे। एंड होपफुली जो सुनने में आ रहा है कि सच पास क्रॉस करके बहुत हैवी स्नो है देखने को मिलेगी। सो देखते हैं क्या है सच के पास हमारे पास हमें दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। बलप्रीत इज आल्सो वेटिंग टू सी सच पास। चलिए चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ से व्यूज है सच पास के, आगे से और सही व्यू आगे। जब हम यू टर्न लेंगे ना फिर देखना वहाँ पे व्यू कैसा आएगा। और राइट साइड वो काफ़ी पजाम है, अभी कम से कम 10-11 किलोमीटर होगा आज साँच यहाँ से। ये देखो भाई, उन लोग नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर आई गेस हमारी अकेली गाड़ी होगी इस टाइम पर ऊपर जाने वाले सच पास की तरफ। अब तो बाकी लगभग सारे नीचे ही आ रहे हैं। ये देखो जी नज़ारा है, अभी भी देखिए तो ऊंचा है वो ब्रिज लेक वाला। हाँ भाई, वो बीच में देखो क्या है वो बफलो का, वही तो है भाई, वो बैठे हैं हम फिर आधा घंटा वो बफलो में जो है, ये जो है ना ये तौर पर दिख रहा है। हाँ, ये मीटो है पूरा वो, हम यहीं पे तो बैठे थे फिर आधा घंटा। और ये जैसे छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा था ये। ये है वो मीटो, नहीं दिख रहा ना, यहाँ से दिख रहा, ये इसी मीटो पे बैठे थे हम लोग। लो भाई आगे दोनों साइड बर्फ का, क्या बोलते इसको, शगुन। पहले भी थी शायद से ना, बट अभी टच वुड मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसको, उल्टा हो जाता फिर। मैंने जितनी बार भी कुछ कुछ बोला ना हमेशा उसको उल्टा होगा, बोलना नहीं चाहता अब ना बोलो आराम से। लेट्स गो, व्यू देखो यार उस साइड दिखाना बाहर वाला, अपनी खिड़की से बाहर का ये है व्यू।
सच पास बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। हम ट्राई तो कर रहे हैं कुछ अच्छा कैप्चर हो जाए, अब वीडियोस पता नहीं कैसी आएंगी। किसकी बात है ये? देखो एक्चुअल अभी स्टार्ट हो रही है, जेनी है ठीक है पुत्र, और अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है ना तो किलाड़ में इस पर 25 से 30 फीट जो है वो स्नो वॉल्स है। ये देखो जाम लग गया, अब पीछे आना पड़ना है। यहाँ पे है ना दो की जगह, ओ गाड़ी लग गई बर्फ के साथ। लग गया जाम यहाँ का ना, अब यही चक्कर है गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो जाती हैं जो नहीं उतरा पुत्र। कितनी गाड़ी गई ऊपर और जा भी रही है, अभी भी जा रही है ऊपर। भीड़ होगी मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होगी, मैं खड़े ना मुश्किल ही लग रहा है। देखो तीन तो कितने लोग जा रहे हैं, निकल पानी है अरे जल्दी कर ले भाई देखो इन्होंने ना सच पास का बेड़ा गर्क कर देना ऐसे लोगों ने, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दी। ये देखो तो परमिशन कौन देता है इनको, वो देख रहे कितना सीधा रास्ता जा रहा अभी आगे वो आखिरी छोर तक उस पहाड़ तक, अभी ऐसे ही चलना है। और हमने ऐसी लोकेशंस में समझ नहीं आता कि कैप्चर किसको करना है और छोड़ना किसको है।
लग गया ट्रैफिक जैम। नहीं हो जाएगा तो। हो जाएगा अब अब बंदों में दिमाग तो है। ओ भाई तो पूरा रास्ता ही छोड़ने लायक नहीं है। कैमरा लगा रहेगा सही है 10 घंटे की मूवी अनकट। ये दिक्कत है सच पास की, ये दिक्कत है। वो देखो कैसे निकल रही है गाड़ी, निकल ही नहीं रही इनफैक्ट। ये पत्थर है उसके। हाँ क्या कर गई, आने दे इसको, आने दे, यहीं पर रुकते हैं हम ना। एकदम नई नई बर्फ है, देखो देख रहे हो चमक रही है। जाओ लगा से निकल रही है। सुबह से खाया कुछ नहीं है, सर्दी तो लगा ऊपर से गाड़ियाँ, गाड़ी चल ही नहीं रही आगे। 5 मिनट चलती है जाम लग जाता है, 5 मिनट चलती है जाम लग जाता है, फिर से जाम लगा हुआ आगे, समझ नहीं आ रहा। ऊपर से टाइम 5 मिनट कम 4। ये देखो ये गाड़ी कितनी वापस आई है, जब बल्कि तक जाना पड़ेगा आगे। एक के चक्कर में कितनी गाड़ियाँ करनी पड़ती हैं, पीछे कितनी पानी वाणी नीचे जाओ ना ऐसे। वो देखा वही कहना ये निकल जाएगा फिर पता नहीं चलेगा, तो तू एक काम कर तू आगे चले ही जा। वैसे छोड़ दूँ आ जा। हाँ ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, उतर नहीं सकता मैं। कितनी गाड़ियाँ फंसी हैं भाई, कितनी गाड़ी फंसी हैं। नीचे पर से फंसेंगी बॉल पे, यहाँ बॉल थी उस पर से बसेंगे वहाँ पे। दुनिया हिल गई। इधर खाया भी होता ना तब भी बच जाना सब कुछ। कैसे कैसा था आउट हो गया। ये है स्ट्रेच जो खराब बनता है थोड़ा सा, वो जो टर्न है ना वो जितना चलता हूँ चढ़ाई पे। लेट्स गो। ये है कंटेंट। सो फाइनली पहुंच गए सच पास फिर से, और मैं अभी निकलूंगा नहीं ऊपर क्योंकि मेरे को एक्चुअली हेडेक हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। सुबह से खाया कुछ नहीं है, पाँव मेरे काफ़ी ज़्यादा गीले हैं, सो शूज़ भी खोलने का मन नहीं कर रहा है। सो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, बट बलप्रीत जाएगा एंड देखते हैं कैसा वीडियो बना के आएगा ऊपर से। सो बट अल्टीमेटली बलप्रीत का भी सच पास हो गया और मेरी जर्नी का भी सच पास हो गया। यस दो चीज़ें, और अब निकलते हैं, टाइम हो गया 4:15, जल्दी से निकलते हैं एंड देन मिलते हैं आपको, और देखते हैं अभी किलाड़ के रास्ते में क्या मिलने को देखने को मिलेगा। तो भाई पहुंच गए सच पास फाइनली, अब जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने।
ये सच पास 4500 मीटर्स के ऊपर ना नया कलर आया इस साल, बट अच्छा चलो जी फाइनली एक बार और कॉन्कर कर लिया हमने सच पास। लो जी जर्नी भी पहुंच गई अपनी सच पास। बढ़िया सही है। तो अब निकलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, बने रहिए साथ में। चलो जी निकल रहे हैं हम सच पास से और मिलते हैं किलाड़ में। अभी रास्ते में कुछ मिलना जरूर चाहिए देखने को। चलिए माय गुडनेस कितना सुंदर है, सारा बर्फ बर्फ और एकदम जैसे बर्फ की मेड़ होती है ना। और कोई अच्छी सी जगह देख के 10-15 मिनट का ब्रेक लेके नैप लेंगे हम लोग। आई एम नॉट श्योर बट आई गेस ये दोनों का रेंज है।